तो स्टार्ट करते भाई। यहाँ पर मैं थॉटक जैसे 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 इंक्रीज करता हूँ भाई साहब, देखो यार प्रैक्टिकल कपड़ा उड़ रहा है यार मेरा, लिटरली ये देखो यार पूरा कपड़ा उड़ रहा है यार। और यहाँ पर जो मैंने महसूस कर रहा हूँ यार हवा की, तो लिटरली मेरे तो पसीने छूट चुके हैं यार, बहुत ही गजब वाला फीलिंग। तो दोस्तों मुझे ड्रोन बनाते बनाते बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने बना लिया है टेबल फ़ैन। यहाँ पर देख सकते हो यार ये टोटली टेबल फ़ैन दिख रहा है आपको, यानी कि कॉम्पैक्ट टेबल फ़ैन है। तो ये मैं कैसे बनाया अपने घर में दोस्तों इसके ऊपर खाली जो फ्रेम के नाम पे एक लोहे की रॉड लगी हुई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो यार इसकी कटिंग पटिंग भी हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये लोहे की रॉड है यार, इससे अपन एक टेबल फ़ैन बनाए मस्त। तो इसके अंदर क्या क्या लगाए और ये कैसे काम करता है और ये कैसे वर्किंग कंडीशन है और इसका एयर कितना है, आइए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल बता दूँ यार आपको ये कितने का बनेगा, कितने पैसे इसके अंदर लगेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं भाई। ये बहुत ही एक कॉम्पैक्ट टेबल फ़ैन है, जब भी आप यह ड्रोन मेकिंग या कुछ भी करते हो ना भाई, वहाँ टेबल रख लेते हो भाई, टेबल रख के आराम से काम करो, आपको गर्मी होती ही नहीं। अब गर्मी का मौसम आ गया भाई, तो इतनी गर्मी होगी जब भी ड्रोन बनाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको गर्मी का सहना पड़ेगा। तो इसके लिए रखते हुए मैंने एक टेबल फ़ैन बना लिया भाई। आप अगर घर में बनाते हो तो आपको टेबल की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई, आप डायरेक्ट ऐसा थर्माकोल का बॉक्स भी बना दे सकते हो। यहाँ पर मेरे पास थर्माकोल का बॉक्स भी है ऑलरेडी, तो इससे भी बनाया था, ट्राई करा था, लेकिन वाइब्रेशन बहुत हो रहा था इसके अंदर, तो मैंने ये मेरे घर में था यार ऑलरेडी। आपको पता रहेगा टेबल फ़ैन में से ये टेबल फ़ैन आता है, आप कबाड़ी की शॉप में भी जाके ले सकते हो भाई। टेबल फ़ैन का नीचे का बेस दो बोले तो दे देगा आपको आराम से। यहाँ पर देख सकते हो खाली ये बेस है, बेस के ऊपर से भी ये ग्रोन, आप ये देख रहे होंगे कि भाई ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है, ये है आप जो भी ड्रम यूज़ करते हो उसके ऊपर का, मतलब टेबल के जैसा मैंने बना दिया है, टेबल फ़ैन ऑपोजिट है ये। और इसके ऊपर एक लोहे की रॉड लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो यार, एक मिनट में लाइट डाल दूंगा आपको क्लियरिटी से समझने आ जाएगा। ये पूरी रॉड है और ये रॉड बहुत ज़्यादा मोटी है यार, यानी कि ये है वो रॉड, यहाँ पर देखना यार, इससे ही मैंने ये टेबल फ़ैन बनाया है यार। बहुत ही अच्छी रॉड है यार, इसे भी आप आराम से बना सकते हो, बहुत ही कॉम्पैक्ट है यार, 400 रुपए के अंदर बन जाता है, मस्त प्रोजेक्ट है और बहुत ही वर्किंग कंडीशन में। दोस्तों इसका नाम है BLDC मोटर टेबल फ़ैन, इसका मैं नामकरण कर दूंगा, इसका नाम है तूफान ऑफ द हिट पीपल्स, यानी कि तूफान खड़ा कर देगा भाई ये BLDC मोटर, यानी कि टेबल फ़ैन भाई तूफान है भाई, ये लिटरली बोल रहा। तो हम जैसे ड्रोन इंजीनियरों को ये टेबल फ़ैन बहुत ही अच्छा है यार, कभी भी हम ड्रोन बनाते या कुछ भी करते हैं तो ये टेबल फ़ैन अच्छा है। तो इसका मेकिंग वीडियो काफ़ी जल्दी आ जाने वाला है, सिर्फ मैंने आपको एक ट्रेलर बता रहा हूँ, यानी कि ट्रेलर आप जो देखते हो उसी तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब भी ड्रोन बनाते हो या गर्मी होती है या आपके भी घर में सीलिंग फ़ैन बिल्कुल नहीं है, जब भी ड्रोन बनाते हो तो काम आ जाता है। आप थोड़े लोग बोलेंगे भाई आपके घर में सीलिंग फ़ैन क्यों नहीं है, भाई जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइस होती है सीलिंग फ़ैन्स की, तो अपन बना नहीं सकते। इसके लिए यहाँ पर आप टेबल फ़ैन को रख लो और मस्त हवा खा लो। तो आइए दोस्तों इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या लगाए यहाँ पर, यानी कि 1000 KV की BLDC मोटर है, आप इधर देख सकते हो 1000 KV की BLDC मोटर है, 8221230 10 1000 KV की ड्रोन का मोटर है भाई। मैं बोला आपके पास, मेरे पास 10 पीस है ऐसे ही पड़े हुए वहाँ पे, तो मैंने एक उठा लिया है और इसको एक फिटिंग कर दिया भाई, रॉड के अंदर से जुगाड़ू आइडिया भाई, यहाँ से देख सकते हो रॉड के अंदर से फिट कर दिया अपने BLDC मोटर को। और यहाँ पे 30 एम्पीयर की AC लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हो भाई, यहाँ से 12 वोल्ट का बैटरी है। और यहाँ पर है स्पीड कंट्रोलर, जो कि आप देख सकते हो सर्वो टेस्टर ऑन है। तो आइए भाई मज़ा हवा का खाते, हवा कितनी अच्छी आती है। अब इसको हवा टेस्ट करने के वास्ते तो आप प्रैक्टिकल नहीं समझोगे, आपको हवा महसूस नहीं होगी। तैयार कर लिया यार ये था भाई, इससे अपन चेक करेंगे कि भाई हवा कितनी आ रही है प्रैक्टिकल। तो और दोस्तों इसकी जो हवा है आपको सामने से देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती, इसकी जो हवा है आपको सामने बिल्कुल अच्छी नहीं आती, इसकी जो भी हवा है आपको पीछे मस्त आती भाई, क्लैरिटी से आपको हवा आती पीछे की तरफ से। तो हमेशा जब भी टेबल फ़ैन बना रहे हो तो पीछे सामने की तरफ से हवा अच्छी नहीं आती, यानी कि पीछे की तरफ से मस्त फेंकता है भाई थोड़े से थ्रॉटल में, क्योंकि ये ड्रोन की मोटर है यार, तो इसके लिए ये पीछे की तरफ से मस्त हवा फेंकता है, सामने की तरफ से बिल्कुल नहीं फेंकता है हवा की भाई, क्लैरिटी से आपको हवा आती है पीछे की तरफ से। तो हमेशा जब भी टेबल फ़ैन बना रहे हो
तो पीछे सामने की तरफ से हवा अच्छी नहीं आती, यानी कि पीछे की तरफ से मस्त फेंकता है भाई थोड़े से थ्रॉटल में, क्योंकि ये ड्रोन की मोटर है यार, तो इसके लिए ये पीछे की तरफ से मस्त हवा फेंकता है, सामने की तरफ से बिल्कुल नहीं फेंकता है हवा। तो स्टार्ट करते भाई, यहाँ पर मैं थ्रॉटल जैसे इंक्रीज करता हूँ। भाई साहब देखो यार, प्रैक्टिकल कपड़ा उड़ रहा है यार मेरा, लिटरली ये देखो यार पूरा कपड़ा उड़ रहा है यार। और यहाँ पर जो मैंने महसूस कर रहा हूँ यार हवा की, तो लिटरली मेरे तो पसीने छूट चुके हैं यार, बहुत ही गजब वाला फीलिंग आ रहा है। आप इसका पहले क्लोजअप देख लो यार। तो आपने क्लोजअप देख लिया है भाई, कितना अच्छा अपना ड्रोन का मोटर हवा दे रहा है। तो इसकी वीडियो काफ़ी जल्दी वाले अपने चैनल के ऊपर आ जाने वाली है। लेकिन आपको ये फ़ैन कैसा लगा भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग जुगाड़ है। जब भी अपन ड्रोन बनाते हो तो वहाँ पे टेबल फैन रख के आराम से काम कर सकते हैं। सीलिंग फैन तो टाटा बाय बाय होने वाला है भाई, इसका तो कुछ काम नहीं है अब गर्मियों में। लेकिन भाई ये गजब की चीज़ मैंने बना दी है भाई, तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करो। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और इसको लाइक करना यार, कमाल की चीज़ बना दिया यार मैंने तो।